सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। तो दोस्तों आज है मकर संक्रांति, तो आज के दिन जयपुर के अंदर 14 जनवरी को मकर संक्रांति बनाई जाती है, वो भी बहुत शानदार तरीके से। इससे पहले ईयर भी मैंने बनाई थी वीडियो मकर संक्रांति के ऊपर, तो आप आई बटन में शो हो रहा आप वाला भी मेरा व्लॉग देख सकते हो। क्योंकि जयपुर में गाइस पतंग का जो क्रेज है ना, बहुत तगड़ा क्रेज है। बस जयपुर के अलावा तो मेरे को लगता नहीं है कहीं पतंग अगर क्रेज होगा तो। तो अभी चलते हैं, मैं अश्फाक को भी करता हूँ, मैं उसको लेने जाऊँगा घर से, फिर हम वापस से हमें घर पर ही आके फिर चलेंगे हम भाई लोगों के पास पतंग वगैरह उड़ाने के लिए। तो चलो चलते। तो दोस्तों जाने से पहले ये पहले पकौड़ी खा लेते हैं, पकौड़ी खा के फिर चलते हैं। तो दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ ऊपर छत पर अपने भाई लोगों के पास, तो अभी अश्फाक के पास बाद में चलेंगे, ऊपर का सीन दिखाता हूँ कि कैसा है। तो चलो देखते। तो दोस्तों आपने अभी ऊपर का सीन देख लिया होगा, मस्त तरीके से गाने वाने सब बज रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अश्फाक को लेने, क्योंकि उसका कॉल आ गया मेरे पास कि आज लेने, तो मैं अभी पहले इसको लेने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं हमारा कहाँ जाने का प्लान बनता है। और अभी पतंगबाजी हमारी बाकी है, हमने अभी तक पतंगबाजी नहीं करी है, तो चलो देखते रहिए बस। दोस्तों आप मेरे पीछे सीन देख सकते हो कितना बढ़िया सीन हो रहा है। ये अभी मैं मेरे घर पर आ गया हूँ, क्योंकि अभी हम पहले कॉम्प्लेक्स पे था, तो अभी मैं मेरे घर पर आ गया हूँ। पीछे का सीन, ये हमारा घर है। तो दोस्तों ये मेरे दादा है, मजा लो करो वालो, कैसे हो? बढ़िया। हाँ बढ़िया है। दोस्तों मैं अभी अश्फाक के पास आ चुका था, तो अश्फाक भाई कैसे हो? बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम राम भाई के घर पर आए थे, अभी ऊपर चलते हैं छत पर देखते हैं यहाँ पर कैसा माहौल है। तो चलो चलते आ जा। जाना लेके जाया है तेरे। तो दोस्तों राम भाई के घर से तो आ चुके थे, तो अब हम जा रहे हैं हमारे घर पर, तो हम वहाँ पे जाके पतंग वगैरह जो उड़ानी होगी तो हम वहाँ पे जाकर उड़ाएंगे। तो चलो चलते। तो दोस्तों अब अभी हम हमारी छत पर आ चुके हैं पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि हम सुबह से इधर उधर बस घूम ही रहते हैं, पतंग वगैरह तो हमने उड़ाई नहीं, बस इधर उधर जाके मजे करे, गाने वाने थोड़ा इंजॉय करके और आ गए। तो दोस्तों मेरे की थोड़ी आवाज़ भी बैठ गई है, तो अब उड़ाते हैं पतंग। तो अभी देखो थोड़े अभी टाइम हो चुका, टाइम क्या हो गया, 5:30 बज गए शायद हैं। हाँ 5:30 बजे। तो 5:30 बज चुके हैं बस, अभी आधे घंटे ही है, और सूरज भी देखो पूरा सनसेट हो चुका है, पूरा डिम देखो, जितनी देर उड़ती है उतनी देर उड़ाते हैं। तो रात का हमारा जो सीन होगा वो आपको दिखाएगी। अभी अश्फाक पता अपनी पतंग को लंबी दे दिया है, तो इसके बाद फिर मैं उड़ाता हूँ, नहीं मैं भी इसी लंबी देता हूँ इस वजह ना, तो उड़ाते देखते हैं। तो दोस्तों अश्फाक ने अपनी पतंग लंबी दे दी है, तो भाई अभी तक एक भी पेच काटा गया तूने अभी तक? तो लंबी तो देना, सुबह से उड़ाया नहीं है अपन यार। तो दोस्तों ये हमारा देखो ब्लैक कलर की जो हमारी पतंग है, कितनी पतंगें कटी है कि सेवरेज? हवा नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही। हाँ यार सुबह से यही आ रही है, हवा नहीं चल रही, मौसम भी थोड़ा ठीक हो रहा है बट हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। तो लेकिन दोस्तों मतलब जयपुर की जो भी संक्रांत होती है ना, मकर संक्रांति, बहुत अलग ही होती है। देखो सारी छत सब भरे हुए रहते हैं, ये देखो और फुल पतंगबाजी हो रही है भयंकर वाली। तो दोस्तों हमारी जो पतंग थी ना भी अटक चुकी थी, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही, और क्योंकि अश्फाक ने मुझे पतंग दी कि मैं सद्दा लगा रहा हूँ, इसलिए पतंग देखो, ये देखो हवा बिल्कुल लग रही, दिखाओ देखो, ये देखो, और अभी उस जंगले में अटक गई थी। तो दोस्तों पतंग थी हमारी उस जंगले में जाके अटक गई थी, लेकिन फिर भी हम खिलाड़ी हैं, गाली लिए कैसे ना कैसे कर गली गए। सही है, चली नहीं रही यार हवा यार, ले तू दे। तो दोस्तों रात का देखो टाइम हो चुका है, वो सब लालटेन वगैरह सब जला रहे। भाई अपन को लगता है अपन इस बार पतंग नहीं उड़ा पा रही है, हैं? तो दोस्तों कब से कोशिश कर रहे हैं पतंग उड़ाने की बट थक्के बैठ गए अर्शद और फेजू। हवा चल रही है भाई? बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, देखो सब बैठ चुके हैं अब, हवा चल रही है? ये देखो दोस्तों कैसे उदास हो गए। नाच के दिखाओ
दिखाओ, नाच के दिखाओ, गोली नाच के दिखाओ। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Chewing.